वॉल्यूम के बढ़ाने से आईक्यू की वैल्यू क्या हो रही है जी? एम की की वैल्यू क्या क्या हो रही है? है? तो है। का मतलब क्या होता होता सॉल्वेंट वॉल्यूम को बढ़ाना होता है. यहां तक है, इसको देखें, देखें। कपा पे, पे।, पे अप्लाई करना चाहते हैं तो कपा पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा एम इसक् टू

इस फॉर्मूला को देखिए वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो कप्पा पे क्या फर्क पड़ेगा कप्पा टू वॉल्यूम आ गया तो याद रखना है लैमडा एम डायल्यूशन से बढ़ता है कप्पा डाइल्यूशन से घटता है तो कप्पा के बारे में फॉर्मूला बताया गया था कि द नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट बिटवीन टू इलेक्ट्रोड जितने ज्यादा होंगे कप्पा की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी जब आप डायल्यूशन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आयंस क्या होंगे दूर दूर हो जाएंगे तो नंबर ऑफ आयंस दो प्लेट के बीच में क्या होंगे कम हो जाएंगे जिसकी वजह से क्या होगा इसकी कपड़ की वैल्यू डिक्रीज कर अगला है मोलर कंडक्टेंस मतलब लैमडा है इसी के बारे में बोला था मैं वीवीआई है ये डिबाई हक्कल ऑन सैजर इक्वेशन कहलाता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एट इनफाइनाइट डायल्यूशन इसको हम लैमडा एम नॉट भी कहते हैं और इसको कहीं कहीं बुक में लैमडा एम इन्फिनिटी भी मिलेगा और जीरो कंसेंट्रेशन कहते हैं डा एम इनफाइनाइट का मतलब याद रखिएगा कंसंट्रेशन टेंस टू जीरो होता है मतलब मोलिटी टेंस टू जीरो हो सकता है नॉट इक्वल टू जीरो मैथमेटिक्स किसी के पास है तो आपने लिमिट्स पढ़ा होगा वही कहता है कहता है कि अगर कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगा तो जाहिर जाएग सी बात है कि हम लैंडा एम की बात ही नहीं कर सकते लैंड की बात बेसिकली कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए की जाती है तो कंसेंट्रेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए टेंस टू जीरो का मतलब इतना कम है इतना मिनिमम है कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है बट नॉट इक्वल टू जीरो अभी भी ये ख्याल रखिएगा चीज को तो इस पे अगर आप निकालते हैं दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी कहते हैं इसको इसका एक नाम और भी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ये फॉर्मूला डिराइव किया डिबे करने का कहा लैंडैम इज टू लैमडैम नॉट बी रूट सी बताऊंगा आपको अभी एम का मतलब गिवन कंसेंट्रेशन लैमडा कम आप कंसेंट्रेशन नहीं हो सकता और ये बी कॉन्स्टेंट है जो यहाँ पे लिखा है कहते रूट सी का मतलब तो मान लीजिए मतलबेंट टेम्परेचर पे अगर आप सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं मतलब एक ही इलेक्ट्रोलाइट लिया आपने आपने क्या कंसेंट्रेशन पे देखिए ग्राफ को समझने की कोशिश की है तो ग्राफ से सब कुछ क्लियर हो जाएगा अभी समझ इसने क्या किया अंडर रूट सी अंडर रूट सी है कंसंट्रेशन यहाँ पे मोल पर लीटर में लिया गया इसको नोट कर लीजिए अपने लिए लैंडा एम सी क्या होगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हमने लिए तो मोल पर लीटर का मतलब यहाँ पे हमें सेंटीमीटर क्यूब में लेना पड़ेगा ठीक है तो ये लैम्डा अब देखिए यहाँ पे इस पॉइंट पे कंसेंट्रेशन अक्सर हम जीरो लेते ना यहाँ जीरो नहीं बेटा ये टेंस टू जीरो है नॉट इक्वल टू जीरो याद इस पॉइंट पे देखिएगा अब देखिए इधर जा रहे हैं तो कंसेंट्रेशन क्या हो रहा जी

भीड़ में दौड़ना आसान है या खाली सड़क पे दौड़ना आसान खाली सड़क वो सेम एज वही चीज पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे बढ़ने लगेंगे तो मूवमेंट क्या होगा कम हो जाएगा रेजिस्टेंस क्या होगा बढ़ जाएगा लैंड डाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी घटेगी नहीं घटेगी यहां वैल्यू कम है यहां वैल्यू क्या है ज्यादा दिख रहा है आपको अब क्या प्रॉब्लम आया एक्स्ट्रा पोलियन करता है एक्स्ट्रा पोलियन मतलब पीछे की तरफ लाइन को मिलाते हैं तो हमें एक पॉइंट मिला अब इससे मैक्सिमम पॉइंट तो नहीं मिल सकता स्ट्रॉग इलेक्ट्राइट के लिए इसी मैक्सिमम तो पॉइंट को कहता वैल्यू है लेमडा एम नॉट की किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्राइट को हम इस ग्राफिकल मेथड से यहां पे लेमडा एम नॉट निकाल सकते हैं इसी को रखा गया नाम रखा गया लिमिटिंग अब इससे ज्यादा किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्राइट की मोलर कंडक्टेंस नहीं आ सकता और इधर अगर आप आते हैं तो कंसंट्रेशन यहां पे मिनिमम पॉइंट पे ऐसा समझ लो आप कि आपके पास हज, दस हजार लीटर पानी रखा हुआ है उसमें सिर्फ आपने एक नमक के पार्टिकल डाल दिए वन सिंगल पार्टिकल मतलब एक तो जाहिर सी बात है वहां कंसेंट्रेशन क्या होगा बहुत ही कम होगा बट नॉट इक्वल टू जीरो होगा वैसे कंडीशन में कह रहा है कि लास्ट जो मैक्सिमम लिमिटिंग में कंडक्टेंस हो सकता है जो हाइएस्ट वैल्यू हो सकती है हम ग्राफिकल मेथड से

कि हम किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा नॉट या लेमडा इंफिनिटी निकाल सकते हैं जब उसका कंसेंट्रेशन क्या होता है टेंस टू जीरो होता है एनी एनी कंफ्यूजन डाउट यहां तक अब आगे बढ़ते हैं देखिए अब हमारे पास है वीक इलेक्ट्रोलाइट सेम कंडीशन में वीक पे भी अप्लाई किया गया वीक पे वही बात देखी नजर आ रही है कि नहीं भैया कम से कम कुछ कंसेंट्रेशन तो चाहिए देखिए यहाँ पे जितना करीब ये पहुंच रहे थे अप्रोच जीरो तक पहुंच गए यहां इस पॉइंट से देखिए आप क्या पा रहे हैं जैसे 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 कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है एमसी की वैल्यू क्या हो रही, रही है इंक्रीज कर डिक्रीज कर जल्दी बताओ लैमडा एमसी की वैल्यू इंक्रीज करिए डिक्रीज कर रही है कम हो रही है भी, भी कम हो रही है बिल्कुल सही लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आ रही है देखिए अगर हम इसको एक्स्ट्रा किया जाए मान माने किसी तरह से भी लग रहा है लाइन कहीं टच कर रहा है चाहे वाई एक्सिस पे चाहे एक्स एक्सिस एक्स्ट्रा पोल्यूशन का मतलब पीछे की तरफ ले जाना अगर हम इस लाइन को ले जाए इधर ले जाए और इस लाइन को ले जाए हम इधर लगता है ये टच करेगा कभी लाइन को नहीं करेगा इसका मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट लैमडा एम नॉट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बट हम ये बात कह सकते हैं सेम वेरिएशन टेक्स प्लेस यहां पर भी जब हम कंसेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो लैमडा एमसी की वैल्यू स्ट्रॉग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट में कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने से घटती है कंसेंट्रेशन डिक्रीज करने से क्या होती है बढ़ती है एनी कंफ्यूजन प्रॉब्लम क्या है वी कैन नॉट फाइंड आउट द लिमिटिंग मोन्डक्टेंस फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बाई द्राफिकल मेथड बट वी कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग मोरडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्र स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोइ क्लियर है यहां तक अब जरा ही बताइए मैथमेटिक्स में अगर आपने स्लोप इक्वेशन क्या होता है? Y equal to mx plus c होता है कि नहीं होता जल्दी बताओ यहां पे स्लोप डाउनवर्ड गया साइन क्या लोगे माइनस लो ना यहाँ पे सॉरी माइनस एम एक्स प्लस सी नहीं बात में आप मैथमेटिक्स में स्लोप इक्वेशन सिंपल पूछा आपसे जैसे ग्राफ है एक लाइन अगर मैं लाइन ऐसे चली गई ये मैथमेटिकल ग्राफ है एक लाइन ऊपर गई जरा बताना ना जरा फार्मूला क्या होता ये y है ये वाई एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है ये ऑरिजिन है हमारा अब बताओ दोनों का फॉर्मूला क्या होता है वाई इजल टू ये वाई एक्सिस है ना वाई टू फार्मूला होता है स्लोप के लिए क्या होगा एम एक्स प्लस सी होता है ना हाँ. या ये वाला फॉर्मूला वाईक्वल टू एम एक्स प्लस सी जल्दी बताओ कौन सा फॉर्मूला होगा कौन सा गलत फॉर्मूला है इसमें बताओ कौन सा सही फॉर्मूला है तो so, पहला वाला गलत तो है क्या साइन आएगा माइनस आएगा माइनस क्यों आएगा भाई क्योंकि तो अगर आप यहां से दो पॉइंट लेते हैं मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास तो मैं मैथमेटिक्स बतानी पड़ेगी सही बताया तुमने वैसे इसको क्या मानेंगे हम एक्स वन इसको क्या मानेंगे वाई वन क्या मानेंगे एक्स टू इसको क्या मानेंगे वाई टू तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है Y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन होता है ना अगर मान लीजिए 5 है सॉरी नहीं, नहीं गलत लिख रहे हैं ना इसको हमें लेना पड़ेगा एक ठीक है अभी, अभी करते हैं अगर हम वाई की वैल्यू यहाँ लेते हैं मान लीजिए हमारे पास फिफ्टी है इसको ले लेते हैं हम थर्टी अब जरा इस फॉर्मुले पे पुट करते हैं देखिए हम की वैल्यू वाई की वैल्यू क्या होगा 15 माइनस थर्टी बाई अब यही फंडा अगर हम इस पे अप्लाई करें देखिए इसको कर दे हम x1 इसको कर दे हम x2 इसको कर दे हम y1 इसको कर दे हम y2 इसको मान लीजिए 5 इसको मान लीजिए 10 सेम वही डाटा लेते हैं इसको 15 है इसको 30 m कैसे निकालेंगे y2 टू माइनस वाई तो y2 कितना आ गया बेटा 30 माइनस फिफ्टीन बाकी वही 10 माइनस वैल्यू कितना आगा? प्लस थ्री बेटा जब लाइन अपवर्ड जाती है तो y वाई इज एम एक्स प्लस सी जो फार्मूला है, है जब लाइन डाउनवर्ड जाती है तो फार्मूला क्या है वाई हैं अब रहा सी दिस इज कॉल्ड दिस पॉइंट इज कॉल्ड सी सी इज कॉल्ड इंटरसेप्ट इसमें कोई पॉइंट इंटरसेप्ट ये पॉइंट आपका सी इंटरसेप्ट कहलाएगा इतनी बात समझ में आई अब इसी चीज को अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो डाउनवर्ड आ रही है

इसी ग्राफ के जरिए ये फॉर्मूला डिराइव किया जो पीछे आपको दिखाई दिया दिखाई दे रहा हो ये दिख रहा है आपको ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला बेसिकली ग्राफ से निकाला गया है इसको लेमडा एमसी लिख सकते हैं आप इस तरह से लेमडा एमसीडो तो लेमडा एम नॉट बी रूट सी हो जाता है अब देखिए बी डिड अब यहाँ पे कहता है अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जैसे एन लिया जाहिर सी बात है कितने आयंस बनेंगे दो आयंस बनेंगे वन एन ए प्लस

वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैमडा एम नॉट नहीं निकाला बट स्ट्रॉन्ग का लैमडा एम नॉट निकल सकता है ये चीज तो हम ग्राफिकल मेथड से फाइंड आउट उसके बाद आता देखिए लॉ लौ। इस कोलॉसिसल क्वेश्चन आते हैं घटता है बढ़ता है ये सब सवाल आते हैं उसके बाद एक लॉस आया कोलासेज लॉ लौ। जो प्रॉब्लम हमारे पास थे कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैमडा एम नॉट नहीं निकाल सकते उसने इसके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया सोल्यूशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ लिया इसने ढूंढा कैसे देखिए कोलासिस कहता है कि दुनिया में कोई भी अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है जिसका लैमडा एम नॉट वैल्यू मतलब लिमिटिंग मूलकनेक्टेंस जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट है इसका लैमडा एम नॉट वैल्यू उसके आयंस की कंडक्टिविटी पर डिपेंड करता है लैमडा नॉट एन प्लस पे लैमडा नॉट मतलब इंडिविजुअल आयंस का अपना अलग अलग लिमिटिंग मूलक नेक्टेंस होता है दोनों को सम करने के बाद हम चाहें तो किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मूलक नेक्टेंस निकाल सकते तो पहले इसने सिर्फ स्ट्रॉन्ग की बात की बाद में कहा कि नहीं नहीं आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग पे भी हो सकता है वीक पे भी हो सकता है तो कहने का मकसद है कि जैसे अगर हमारे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं लेमडा एम नॉट अगर हमारे पास वीक नाम पे सी एस थ्री सी डबल प्रेजेंट है इसको अगर आप ब्रेक करेंगे आयंस में तो आयोजन एम नॉट ये सी एस थ्री सीओ माइनस आयन होगा लेमडा एम नॉट एच प्लस आयन आएगा कहता है कि जो तो आयनिक कनेक्टिविटी है

तो ए प्लस पे डिपेंड, करेगा, एम बी पे डिपेंड करेगा तो कहा कि अब हम नॉट कोई भी आयंस में स्प्लिट करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं जैसे यहां पे जनरली न्यू प्लस ये न्यू माइनस के लिए, लिए प्रेजेंट है जैसे यहां पे लेमडा एम नॉट देखिए एमजी सी एल टू कैसे लिखा गया एम जी पे हम जानते हैं कि टू प्लस होता है तो लैमडा एम नॉट एमजी टू प्लस प्लस टू मॉलिक टू आयंस ऑफ नॉट ऑफ सी एल माइनस एंड तो ये इस आयंस का अपना वैल्यू मान लीजिए एक्स है इसका वैल्यू वाई है तो आंसर क्या होगा का सम करेंगे तो जाकर के हमारे पास एम नॉट लैमडा निकल सकता है इस तरह से इनफाइनाइट डायल्यूशन का दौर शुरू हो गया कहता है कि है हमें लॉ के लौ के आने बाद ये कंफर्म हो पाया कि हम किसी भी स्ट्रॉन्ग हो वीक हो कैसा भी इलेक्ट्रोलाइट है हम उसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आसानी से फाइंड आउट कर सकते इतनी चीजें क्लियर है कोई कंफ्यूजन नहीं आता फिर कहा कि अगर मान लीजिए इक्वेडेंट कंडक्टेंस हमको ऑफ लैमडाटायन प्लस

किसी भी केटाइन या एनाइन सिंगल एनाइन सिंगल एन। केटाइन का आप चार से डिवाइड करके आप आसानी से लेकू भी कैलकुलेट कर करता तो है आपका आप घर पर थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस करेंगे अब थोड़ा एप्लीकेशन पे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट हम आसानी से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस मतलब अब फाइंड आउट कर सकते हैं आफ्टर को बाद जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल यहाँ पे दिया समझाया गया देखिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे लैमडा एम नॉट सी एस थ्री सी एच का निकालना है ये वी वीक वीक इलेक्ट्रोलाइट है याद रखिए दिस इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉग ये है स्ट्रॉन्ग एनसीईआरटी में सवाल भी दिया इन तीनों का डाटा आपके पास गिवन होगा और इसका निकालना है तो कहता है कि हम इन तीनों डाटा से चाहें तो हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं तो क्या करा इसने सबको इक्वेशन में ब्रेक कर दिया

जो कि हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोल ऑफ फाइंड आउट कर सकते हैं डाटा यहाँ दिया होगा एक्स होगा यहाँ वाई जेड कुछ वैल्यू दी होगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में दिया होगा डाटा आपके पास एक्स प्लस वाई करके जेड से माइनस करके रिजल्टेंट आइन ये बचना चाहिए इसका मतलब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का आसानी से लिमिटिंग मोल फाइंड आउट किया जा सकता है यो तुम्हारी क्लास कितने बजे पहला क्लियर है सेकेंड में आते हैं ये सेकेंड पॉइंट है इसका ये एक ही में दिया हुआ है सेकेंड पॉइंट यहाँ नोट कर लीजिएगा ये सेकंड पॉइंट है इसका इसको नंबर टू कर लीजिएगा हम चाहें तो डिग्री ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं अल्फा का फॉर्मूला होता है मोलर कंसेंट्रेशन मोलर कनेक्टिविटी एट गिवन कंसेंट्रेशन एट इनफाइनाइट हर आप ये चीज क्लियर हो गया कि लैमडा एमसी एन एसीएल ये अलग चीज है और लैमडा एमनोट के लास्ट लिमिट है जो फिक्स है तो कहता है किसी के अल्फा निकाली अपॉन लैमडा एम नॉट ये फॉर्मूला होता है ये हम बात कर सकते हैं इसके अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड आउट डीओडी का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिग्री ऑफ

ये क्या होता है एट इक्म याद है सी लेते हैं जीरो जीरो सी में से सी अल्फा गया सी अल्फा गया सी अल्फा गया तो सी माइनस अल्फा के का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ तो तो पे कैलकुलेशन करेंगे तो सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा ठीक ये आ जाएगा तो कहते हैं फोर वीक इलेक्ट्रोलाइट हम अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम ए,

डेल्टा आरजी नॉट निकाला भैया आपने के सी निकाला ये सब क्या था ये सब का हमने हम चाहे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से फाइंड आउट कर सकते हैं वो यहाँ पे इसको लिंक अप करने की कोशिश कर रहा है इतनी बात क्लियर है कोई कंफ्यूजन बाकी इसमें जो कुछ प्रॉब्लम दी है उसको जरूर आने जी सब एक्चुअली बैक ईयर में पेपर आए हुए हैं जो भी कॉम्पिटिव एग्जाम में उसी क्वेश्चन को यहाँ पे डाला गया है ये सारे क्वेश्चन है ये आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए नहीं बनेगा आपको पूछना है सब